मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 7 एक और अनेक पढ़ाऊंगी। एक और अनेक क्या होता है? जैसे कि आप लोग यूकेजी में भी पढ़े हैं सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में पढ़े हैं ना, वैसे ही हिंदी में एक वचन बहुवचन कहा जाता है। एक वचन बहुवचन, एक वचन हम किसके किसको कहते हैं, चलिए हम देखते हैं। एक वचन, जैसे कोई एक सामान, जैसे पतंग एक है ना, पतंग कितना है, एक है, तो क्या हुआ, एक वचन हुआ। क्या हुआ? एक वचन। अगर वही कई ठो पतंग रहेगा, एक से ज्यादा, एक से अगर ज्यादा कई ठो पतंग है तो अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। एक वचन में एक पतंग, अनेक में कई चीज रहेंगे। जैसे कि टॉफी है, एक टॉफी आपके पास है तो एक है, अगर तीन चार टॉफी आपके पास है तो क्या हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे टॉफी, ध्यान से देखिएगा, टॉफी, अगर एक टॉफी है तो हम टॉफी लिखेंगे, ठीक है। अगर दो तीन, एक से ज्यादा टॉफी है जिसको हम क्या लिखेंगे? टॉफियां। क्या लिखेंगे? टॉफी, मतलब एक से ज्यादा, कितना है, एक से ज्यादा है तो हम टॉफियां लिखते हैं। जैसे कि जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि पपीता क्या है, पपीता एक है, इसको हम लोग अगर कई जो पपीता रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? पपीते। क्या लिखेंगे? पपीते। ऐसे कई को जब रहेगा तो लिखेंगे। आप देखिए वचन, एक और अनेक को हम लोग कहते क्या है? वचन। क्या कहते हैं? वचन। तो वचन का परिभाषा क्या है? जैसे जो शब्द हमें एक या अनेक होने का ज्ञान कराते हैं वचन कहलाते हैं। जैसे जो शब्द ज्ञान कराते हैं, और क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वचन। जो शब्द क्या है? जो शब्द हमें, जो शब्द हमें एक या अनेक होने का ज्ञान कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? वचन। जैसे एक बच्चा, जैसे एक बच्चा हो उसे हम क्या कहेंगे? बच्चा। क्या कहेंगे? बच्चा कहेंगे। अगर एक से ज्यादा बच्चा हो तो हम क्या कहेंगे? बच्चे। क्या कहेंगे उसको? बच्चे कहेंगे। जैसे कि ऐसे ही पपीता, पपीते और कई थोड़ा है सब मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छी तरह से समझिए। जैसे आपके पास एक किताब है, इसको क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? किताब। क्या बोलेंगे? किताब। अगर एक से ज्यादा, एक कितना है? एक दो तीन, तीन एक से ज्यादा है ना, कितना है? एक से ज्यादा है, हम इसको क्या बोलेंगे? किताबें। क्या बोलेंगे? किताबें। अगर एक किताब है तो हम किताब बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा है हम क्या बोलेंगे? किताबें। जैसे पपीता, पपीते, किताब, किताबें, कपड़ा, कपड़ा, कपड़े, कपड़े, ठीक है, वैसे ही कपड़ा, कपड़े, चिड़िया, 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 मतलब एक अगर रहेगा तो आप किताब बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो किताबें बोलेंगे, कपड़ा एक है तो कपड़ा बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? कपड़े। क्या लिखेंगे? कपड़े। ऐसे ही जैसे लड़कियां, लड़कियां कई ठो रहेंगी तो क्या बोलेंगे हम? लड़कियां। अगर लड़की है, एक लड़की है तो हम उसको बोलेंगे लड़की। क्या बोलेंगे? लड़की। अगर कई ठो है तो उसको हम लड़कियां बोलेंगे ना। उसके बाद देखिए एक और है, मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। जैसे चाबी, चाबी एक है उसको हम क्या बोलेंगे? चाबी। अगर कई ठो चाबी हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? चाबियां। क्या बोलेंगे? चाबियां। घोड़े, घोड़े एक है तो घोड़े, अगर कई ठो, अगर एक है तो घोड़ा बोलेंगे, अगर कई ठो घोड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे? घोड़े। क्या बोलेंगे? घोड़े। तब आप लोगों को एक वचन बहुवचन अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, एक और अनेक। आपके बुक में भी दिया है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझिएगा, और मैं अभ्यास का जो भी है भेजूंगी, उसको अच्छी तरह से करिएगा। धन्यवाद बच्चों।